रहमतुल्लाह वबरकात। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। ये पावर पॉइंट के 4 नंबर वीडियो है और इसमें हम पैराग्राफ ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या चीज मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप, और इस पैराग्राफ ग्रुप में डिफरेंट चीजें मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये अलाइनमेंट ही है, और अलाइनमेंट जो है ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी यहाँ पे देखिए कि अलाइनमेंट क्या काम करते हैं। नॉर्मली अलाइनमेंट हम यूज करते हैं तरतीब के लिए। लेट सपोज अगर टेक्स्ट लिखना है लेफ्ट साइड राइट साइड या सेंटर से लिखना है या मुकम्मल जस्टिफाई करना है, तो इस चीज के लिए भी यूज करते हैं अलाइनमेंट। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, लेट सपोज अगर मैं न्यू टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं आर एन डी फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से बाई डिफॉल्ट स्टार्ट। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिफाई अप्लाई है। जस्टिफाई का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों लेवल्स जो है ये बराबर होंगे। अगर मैं सिर्फ इस पे क्लिक कर दूं तो लेफ्ट साइड लेवल जो है एक ही बराबर आता है, राइट साइड नहीं, ठीक है। अगर मैं कुछ और टेक्स्ट जो है लेकर आओ और यहाँ पे जो है यूज कर दूं, जैसे ये कुछ टेक्स्ट है और इसी टेक्स्ट को मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है और यहाँ पे जस्टिफाई नहीं बल्कि अलाइनमेंट लेफ्ट साइड का सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड लेवल जो है एक ही बराबर है, राइट साइड जो है वो नहीं है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं सेंटर पे लेकर आता है, इस पे क्लिक करता हूं तो राइट साइड पे लेकर आता है, और इसी तरह अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो जस्टिफाई होता है, दोनों साइड्स के लेवल जो है वो बराबर होते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है कॉलम पे अगर इसी टेक्स्ट को डिवाइड करना है तो इजिली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1, 2 और 3 कॉलम्स है, तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ, दरमियान में स्पेस 0 है। अगर आप स्पेस 0 हो तो फिर कॉलम जो है वो अच्छी तरह नजर नहीं आएगा। तो चलो मैं इस स्पेस को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है ये 3 कॉलम पे डिवाइड हो चुका है। तो मैं ऐसा इसको डिफरेंट कॉलम्स पे डिवाइड भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके साथ जो है बुलेट को ऐड करना चाहता हूँ, बुलेट से नंबरिंग, तो बुलेट से नंबरिंग जो है वो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला बुलेट मुझे चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये बुलेट ऐड हो गए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला बुलेट्स मुझे चाहिए, तो ये वाला बुलेट्स ऐड हो गए, और इसी तरह डिफरेंट बुलेट्स जो है वो ऐड होते हैं। अगर बुलेट्स को ऐड नहीं करना है, नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ से आप नंबर को भी ऐड कर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो है यहाँ पे मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं 1, 2, 3 ऐसा ऐड करना चाहता हूँ, या ऐसे स्टाइल में, या एबीसी जो है स्मॉल एबीसी या कैपिटल एबीसी वगैरह जो है इसको ऐड करना है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर नहीं करें तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करते खत्म हो जाते। इसी पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ और एंडेंट, तो देखिये टेक्स्ट को आगे की तरफ लेके जाता है, वापस पीछे की तरफ लेकर आता है। ये नॉर्मली एंडेंट का काम है। एंडेंट का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ही है, फासला। अगर टेक्स्ट को थोड़ा मूव करना है बॉर्डर से या मार्जिन से तो कर सकते हैं, वापस अगर पीछे लेकर आना है तो भी लेकर आ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग। अगर लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए ये लाइन स्पेसिंग जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, आप देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है ये चेंज हो चुका है, तो ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। वापस मैं आता हूँ नॉर्मली ये वाला डायरेक्शन, तो ये वापस सेलेक्ट हो गए नॉर्मल। और अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन करने दे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं चलो इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। आप देखिए ये टेक्स्ट जो है बॉक्स के किस जगह पे है, टॉप पे लेके जाना है, लेफ्ट टॉप पे, मिडल पे या सेंटर पे, तो यहाँ पे ये टॉप, ये मिडल और ये बॉटम पे लेकर आना है, तो बॉटम पे लेकर आ सकते हैं। तो 3 जगह है यहाँ पे, टॉप मिडल बॉटम, मतलब कि वर्टिकली अलाइनमेंट है, और वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये अलाइनमेंट, ये मेडल, ये इसी तरह मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ ऐसा ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडल, टॉप और बॉटम, तो ये 3 जगह है, 3 जगहों पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। कंट्रोल Z, वापस बैक। और ये है स्मार्ट आर्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो इसी टेक्स्ट को अगर स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप स्मार्ट आर्ट में इसको फिट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये फिट हो गया, तो स्मार्ट आर्ट जो है बाद में शायद आ भी जाए, इंसर्ट टैब में मौजूद भी है,
अगर ये याद रखें कि स्मार्ट आर्ट जो है हम डिटेल के साथ एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जरूरत भी नहीं है कि मैं इसको पूरे डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग वो वीडियो देख के उसे याद करके यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको स्मार्ट आर्ट पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं स्मार्ट आर्ट में क्लोज करता हूँ। तो देखिए ये डिफरेंट स्मार्ट आर्ट है, किसी भी स्मार्ट आर्ट में आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स मौजूद है, किसी भी स्मार्ट आर्ट में आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में जो है ड्राइंग ग्रुप पढ़ेंगे। वीडियो इतने, कीप वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।